हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, कौन कौन सी ब्रांच जो एलिजिबल है, एप्लीकेशन फ़ी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रिगार्डिंग। अगर आपको हमारे जो वीडियोज़ है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आता है तो उसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हमारा जो मोटिवेशन है वो बूस्टअप होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूँ, आप हमारे चैनल में जाओगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर जो है जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे वीडियोस जो अपलोड हैं, करंट अफेयर के भी अपलोड हैं, देन वहाँ पे हमने बीआरसी के इंटरव्यू वगैरह भी डिस्कस कर रखे हैं। अगर आप वो सब नहीं देखें तो उन्हें ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को जो है बूस्टअप करें। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे आप सभी को मालूम है, इसमें जो है परमानेंट जॉब नहीं निकलती है, इसमें जो जॉब निकलती है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही निकलती है। तो यहाँ पर भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही जॉब आपका निकला हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक में। जहाँ पर बात की जाए कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, तो यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल की जो है वैकेंसीज निकल रखी हैं, जिसमें आपका जो 20 सीट है, 20 सीट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की है, मैकेनिकल की जो है 5 सीट है, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, एक साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक साल का मिनिमम यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो है बीटेक के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और मैकेनिकल के कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। देन यहाँ पे बात की जाए, एज लिमिट जो है मैक्सिमम जनरल्स के लिए 26 साल रखी गई है, बाकी ओबीसी के लिए 29 साल और एससीएसटी के लिए 31 साल यहाँ पे रखी गई है। जो सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी आपको 23,000 पर मंथ जो है यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। देन जैसे यहाँ पे जो है एक साल का आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है। देखिए यहाँ पे जो एक्सपीरियंस दिया गया है ये डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है, मतलब इसमें जो है अगर आप इस फील्ड में, जैसे इसमें दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सब सिस्टम, अगर इसमें है तो ठीक, अगर आपके पास कोई दूसरा एक्सपीरियंस है तो भी आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। देन बात करते हैं सिलेक्शन के लिए, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, पहला तो क्राइटेरिया ये रखा गया है कि अगर आप इनके रिक्वायरमेंट, इनका जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें अगर फुलफिल करते हो तो आप जो है रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। रिटन टेस्ट कंप्लीट करने के बाद जो है आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे जो है यहाँ पे सिलेक्शन जो है लिया जाएगा, ऐसा इसमें मेंशन है। देन यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि आप ये जो रिटन टेस्ट है ये कॉल लेटर जो है वेबसाइट में टेंटिवली अपलोड कर जाएगा 1 जुलाई 2019 को। तो 1 जुलाई 2019 को जो है ये लिखा हुआ है 5th नंबर पॉइंट में, कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एलिजिबल टू अटेंड द रिटन टेस्ट एंड द कॉल लेटर विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट टेंटिवली ऑन 01/07/2019। तो देखिए 1 जुलाई को जो है यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हो। देन यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, रिटन टेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिटन टेस्ट में जो है आपके बात किया जाए तो बेसिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस रहेंगे, जिस डिसिप्लिन से आप फिलअप कर रहे हो ऑब्जेक्टिव बेसिस का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। देन यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। देन यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू के लिए, उनको जो है बुलाया जाएगा 3rd week of July 2019, यानी कि 1 महीने के अंदर जो है यहाँ पे आपको जॉइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। देन ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपको कहाँ से मिलेगी, आप जो है इनके वेबसाइट, ये वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी अपलोड्स होंगे वहाँ पे ही होंगे। तो ये जो फॉर्म है आपको फिलअप करना है 19 जून 2019 जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ये जो फॉर्म है उसको आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मेल आईडी भी दे रखा है career2018@bell.co.in। यहाँ पे जो है दे रखा हुआ है कि अगर आपका कोई क्वेरीज है या फिर कोई क्लेरिफिकेशन चाहते हो तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हो, अपनी क्लेरिफिकेशन जान सकते हो। देन यहाँ पे एक बार और चीज़ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट जिनका बीटेक जो है कंप्लीट नहीं हुआ है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो वो जो है यहाँ पे अप्लाई ना करे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया है, आप उनको ध्यान में रखेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई है, तो पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूले। एक बार मैं फिर से कहूँगा, आप हमारे चैनल में विजिट करें, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं अपलोड हैं, उन वैकेंसीज को भी देखें और फॉर्म को फिलअप करें। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।